हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आई हूँ जो राजस्थान की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये वैकेंसी है। संशोधित विज्ञापित कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2020। किस चीज़ की वैकेंसी है फ्रेंड्स? ये कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2020। बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक थी 2 अप्रैल निर्धारित की गई थी। ठीक है, पहले तो 2 अप्रैल लास्ट डेट दिया गया था फ्रेंड्स इस फॉर्म के लिए। कोरोना प्रकोप के कारण आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा दिनांक 31 मार्च 2020 को इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन उक्त दिनांक के पश्चात पूर्ण खोले जाने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी की गई थी। अर्थात कनिष्ठ अभ्यर्थी संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 हेतु अभ्यर्थियों से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 दिवस तक दिनांक 24 जून 2020 से दिनांक 8 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका 24 जून से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। कब तक है? 8 जुलाई तक। ठीक है, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। इसके पश्चात अभ्यर्थियों को आवेदन करने को कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, विज्ञापित की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। डॉक्टर मुकुट बी जहांगीर, सचिव। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी किस चीज़ की वैकेंसी है? कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती की वैकेंसी है, जिसकी स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म भरने की? 24th of June एंड लास्ट डेट क्या है? 8th of July। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जिनको ये हेल्पफुल हो गया आप उनको प्लीज़ सेंड करें, उन तक पहुँचाएँ। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल में जो भी और आने वाली वैकेंसीज होगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वैकेंसी नीडफुल नहीं है तो आप किसी और को सेंड कीजिए, शायद किसी और को नीडफुल होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वैकेंसी से। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ये कनिष्ठ अभियंता, ठीक है, उसकी सीधी भर्ती परीक्षा है। ओके, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए राजस्थान अधीनस्थ अभियंत्री की सेवा नियम 1973 यथा संशोधित जल संसाधन विभाग के लिए राजस्थान अधीनस्थ अभियंत्री की सेवा नियम 1967 यथा संशोधित जन स्वास्थ्य अभियंत्री की विभाग के लिए राजस्थान अभियंत्री की अधीनस्थ सेवा नियम 1967 यथा संशोधित एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड उपनियम 1977 यथा संशोधित के अंतर्गत तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता की गैर अनुसूचित क्षेत्र 1954 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 100 कुल 1054 पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 13/2/2020 को संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत के डिग्री डिप्लोमा के 44 पदों को भी इस भर्ती में शामिल कर एवं संबंधित विभागों से रिक्त पदों का संशोधित वर्गीकरण प्राप्त होने के कारण निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र से बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जो आवेदन है वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन जॉब फॉर्म भर रहे हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, विभाग का नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग, कितने किस किस कौन कौन से पद है देखते हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक सेम है। ठीक है,
और फिर यही कनिष्ठ अभियंता विघुत और डिग्री धारक और सिविल और डिप्लोमा धारक, विघुत और डिप्लोमा धारक, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। तो कुल मिला के फ्रेंड्स कितने हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं फ्रेंड्स, 1998, ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं 100। तो कुल कितने हो गए फ्रेंड्स, कुल 1098 है, ठीक है, 1098 पद है, ठीक है। विशेष नोट में कुछ हम जो मेन है वो लेते हैं फ्रेंड्स। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने, आवेदन भरने के उपरांत रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले। आवेदक यह ध्यान दे कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा, और यदि आवेदक पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो उसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट न माने। कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित एवं अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देशों का ध्यान रखें, पूर्व अध्ययन कर ले। इस विज्ञापित एवं उच्च दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज कराए तथा इसे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस थी आपके लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग में रिक्त कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री डिप्लोमा के पदों पर इस विज्ञापन के माध्यम से अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाकर इन पदों पर भर्ती संयुक्त भर्ती के अलावा अलग से परीक्षा आयोजित की जाकर कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत के पदों की संयुक्त धरियता सूची बनाकर केवल जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग को अभ्यर्थी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को अन्य विभागों की यांत्रिक एवं विद्युत के डिग्री डिप्लोमा के पद पर वरीयता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्हें इसके लिए अलग से आवेदन भरना होगा तथा कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत के डिग्री डिप्लोमा के पदों पर अलग से आवेदन भरना होगा। विशेष सूचना है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्नित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसे अग्नित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी, सामान्य परीक्षा के अनुसार भरी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे और भी कुछ। देखिए फ्रेंड्स, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी के पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक विद्युत अभियंत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिक विद्युत अभियंत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययन वृत्ति परीक्षा छूट को के प्रयोजन के लिए हो, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे परीक्षा का माह एवं दिनांक है। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता के डिग्री एवं डिप्लोमा की परीक्षा अलग आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान के संबंध में सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञापित के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोर्ड की वेबसाइट भी दी गई है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू
www.rsmssb.rajasthangovernment.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गनिर्देशन, सूचना, स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर 01412725 2520 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर 30218 को संबोधित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की राजस्थान की वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड ये प्लीज़ नीडी पर्संस को सेंड करें। अगर आपको नीड नहीं है, आपको हेल्पफुल नहीं है ये वैकेंसी, तो प्लीज़ किसी और को सेंड करें। ठीक है, किसी और का भविष्य बदल जाएगा। थैंक यू।